या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। انتہائی قابل احترام سامعین گرامی, سابقہ ہماری نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो, इसलिए कि अगर तुम हिदायत पर हो तो किसी का गुमराह होना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आज अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो माहौल पाया जाता है वो दूसरों पर तनकीद का और दूसरों की इस्लाह का जहन बना हुआ है, अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं। निजी मजलिस हो, कोई भी मौका हो जमा होने का, तो हर एक की ज़ुबान पर शिकवे हैं, हर एक इंतहाई आला पाए का नाकिद बना हुआ है और मुबस्सिर बना हुआ है। तनकीद है मुख्तलिफ़ इदारों पर, तनकीद है मुख्तलिफ़ शख्सियात पर, मतलब अपने अलावा हर दूसरे पर तनकीद, हर दूसरे के अंदर कमियाँ और ख़ामियाँ हम देख रहे हैं और उनका तज़किरा कर रहे हैं। और हर बंदे ने अपना शेवा यही बनाया हुआ है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि सिर्फ़ तनकीद की जा रही है, इस्लाह की तरफ कोई भी नहीं आ रहा, और हर एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए है, अपनी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। तो नतीजा ये निकला कि बात जूं की तूं है, हालात नहीं बदल रहे, मुआशरा नहीं बदल रहा, और उसकी बुनियादी वजह ये है। जितनी भी इस्लाह की कोशिशें की जाएं वो सूदमंद नहीं हो रही, बार आवर नहीं हो रही। हमें ये रविश अपनी बदलनी होगी, और कुरान करीम ने इसी रविश को बदलने की तरफ इशारा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो। दूसरे पर तनकीद करने से पहले और उंगली उठाने से पहले अपने अंदर लाजमी झांक लो कि मैं कामिल व अकमल हूँ, क्या मैं सिफात का मंबा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई कमी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बात को लेकर, जिस कमी कमज़ोरी नक्स और ऐब को लेकर मैं दूसरों पर उंगली उठा रहा हूँ, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा मेरे अंदर पाई जा रही हो। तो जितना वक्त, जितनी एनर्जी हमने इस काम पर लगानी है कि हम दूसरों को टटोलें और दूसरों को परखें और दूसरों की कमियों और नकायस को पहचान कर और उनके ऊपर तनकीद करें, उससे कम वक्त अगर हम अपनी तरफ तवज्जो दे लें तो उम्मीद है कि हमारी इस्लाह हो जाएगी। उसकी आप एक मिसाल समझ लें कि अगर किसी शख्स के पेट में शदीद दर्द हो तो क्या वो दूसरों के नज़ला ज़ुकाम की परेशानी अपने सर लेगा, या उसकी तवज्जो जाएगी किसी के नज़ले ज़ुकाम की तरफ? क्यों? इसलिए कि उसको तो अपनी बीमारी और तकलीफ़ अपने अंदर उलझाए रखेगी, उसको तो होश ही नहीं रहेगा किसी दूसरे का। ये तो कम तकलीफ़ की मैंने मिसाल दी है, इससे ज़्यादा भी तकलीफ़ किसी की होगी ना तो इसकी तवज्जो फिर भी उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसको अपनी तकलीफ़ बड़ी नज़र आ रही हो। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी नज़रों के अंदर हमारे अयूब सामने आ जाएंगे और हम उनकी सलाह की फ़िक्र में लग जाएंगे, तो फिर दूसरों के अयूब हमारी नज़र में अयूब बाकी नहीं रहेंगे, हमारी तवज्जो ही नहीं रहेगी
और हमारे पास वक्त ही नहीं होगा कि हम किसी के ऊपर तनकीद करें या किसी की इस्लाह की फ़िक्र में लगें। अब हमारी इस्लाह कैसे हो और हम कैसे अपनी इस्लाह करें, उसके लिए नमूना क्या है? उसके लिए नमूना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, आखिरुज़्ज़मान और इमामुल अंबिया, उनको अल्लाह ने भेजा इंसानियत की तरफ, इस उम्मत की तरफ, जो सिफात का मंबा हैं, उनकी ज़िंदगी में और उनके किरदार में, उनकी शख्सियत में हम सब के लिए अपनी इस्लाह का एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला शुरू कर दें और एक एक सिफत को अपने अंदर लाना शुरू कर दें तो ये एक बेहतरीन तरीक़ा है हमारी इस्लाह का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ़ देखा जाए तो सिफात ही सिफात हैं। उन्हीं सिफात में से एक बड़ी सिफत वो आप अलैहिस्सलाम का रहम दिल होना, मुतहम्मिल होना, बुरदबार होना, साबिर होना और दूसरे की बात को बर्दाश्त कर लेना, ये एक बड़ी और नुमाया सिफत। और इसके सीरत मुबारका के अंदर बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि जिससे आप अलैहिस्सलाम का हलीम होना और बुरदबार होना वो ज़ाहिर होता है। एक मरबा किसी साहिब के साथ आप अलैहिस्सलाम का कोई मामला था, कोई अक़द था, और एक ऊँट आप अलैहिस्सलाम ने उसको देना था। तो एक मौके पर वो जो हक वाला था वो आया और उसने बड़ी ही सख्त अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊँट का मुतालबा की। तो दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें कि बदतमीज़ी का अंदाज़ इख्तियार किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे न गुस्सा किया न उसको कोई सज़ा दी, बल्कि अगर किसी सहाबी ने उनकी तरफ़ घूर कर भी देखा यानी गुस्सा करना भी चाहा तो उनको मना कर दिया और ये इरशाद फरमाया कि ये हक वाले हैं, लिसाहिबिल हक मकाला, कि ये हक वाले हैं और हक वाले को कुछ ना कुछ कहने का हक होता है। तो इस बुरदबारी और हलीम उत्तबा के साथ आप अलैहिस्सलाम ने उस मामले को निपटाए। इसी तरह का एक और वाक़या सीरत के अंदर आता है कि एक साहिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मिलने का वादा किया किसी जगह पर। आप अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्रा पर वादे के मुताबिक तशरीफ़ ले गए और इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो साहिब नहीं आए, भूल गए या कुछ भी मामला हुआ। दूसरे दिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त मुकर्रा पर और वादे की जगह पर तशरीफ़ ले गए, इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो साहिब फिर भी ना आए। तीसरे दिन फिर आप अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्रा पर उस जगह तशरीफ़ ले गए और उन साहिब का इंतज़ार करते रहे, तो थोड़ी देर बाद वो साहिब आ रहे हैं टहलते हुए। अब इस मौके पर ज़ाहरी बात है गुस्सा तो आना चाहिए, एक गुस्सा आने का मौका भी था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी गुस्सा नहीं किया और हिल्म का, बुरदबारी का मुजाहरा किया। बस इतनी बात इरशाद फरमाई कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने तो हमें मशक्क़त में डाल दी। बस ये बात इरशाद फरमाई। हालांकि आप देखें कि अगर हमारा जैसा कोई शख्स होता तो उसका मामला क्या होता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से बड़ी सिफत थी हिल्म, हलीम होना, बुरदबार होना। इसी तरह एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मुझे सियाहकारी, बदकारी की इजाज़त मरहमत फरमा दे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जुर्रत के
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापे तकवा हैं, जो अल्लाह ताला के तरफ से पूरा दीन और पूरी शरीयत उम्मत को सिखाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और जो बिदात और खराफात और रसूम जाहिलियत को मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए, उन्हीं से मुतालबा किया जा रहा है कि जी आप मुझे सियाहकारी की बदकारी की इजाज़त अता फरमा दें। और ये बदकारी यानी जिना ऐसा अमल है कि किसी भी मज़हब के अंदर इसकी इजाज़त नहीं रही, क्योंकि ये इंसानी अक़ल के ख़िलाफ़ चीज़, अक़ल इसको जायज़ तसव्वुर नहीं करती कि ये कैसे हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर उनका ऐसा मुतालबा करना, अब ये एक इंतहाई गुस्सा दिलाने वाली चीज़ थी, और हज़रत साहबे किराम को गुस्सा भी आया कि ये कैसी बात कह रहा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डांटा ना गुस्सा का इजहार किया, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रख कर इशारा फरमाने लगे, तुम मुझे बताओ अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ये अमल करे तो क्या तुम इसको बर्दाश्त करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। फरमाया कोई दूसरा शख्स भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर फरमाया तुम बताओ अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ये अमल करे तो तुम इसको बर्दाश्त करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी तरह बेटी का और दीगर रिश्तों का आप अलैहिस्सलाम ने तज़किरा किया, और जब महसूस किया कि बात इसको अच्छे से समझ में आ गई है, फिर उसके सीने पर हाथ रख कर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर से इस मैल को निकाल दिया और इस बदअमली की नफ़रत उनके दिल के अंदर भर। तो किस मेहरबाना तरीक़े से और किस रहम दिलाना और हमदर्दाना तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की है, और गुस्सा नहीं किया, बर्दाश्त किया, सब्र किया। अगर हम ये चाहते हैं कि हम बदलें और हम अपनी इस्लाह शुरू करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती हमारे लिए नहीं है कि जिनको देखकर हम अपने अंदर बदलाव ला सकें। और आप अलैहिस्सलाम की नुमाया सिफत वो बुर्दबारी थी, वो हिल्म था। आप देखें कि एक मौका था कि एक साहिब ने मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब कौन इसको बर्दाश्त कर सकता है? अब सहाबे किराम दौड़े हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, मना कर दिया कि उसको करने दो, अगर अब रोकोगे तो हो सकता है कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, उनको ये अमल करने। उन्होंने कर लिया। फिर सहाबे किराम से इरशाद फरमाया यहाँ पानी बहा दो। उन्होंने पानी बहा दिया, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको अपने करीब बिठाया और इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त के साथ फरमाने लगे कि देखें मसाजिद को इसलिए बनाया जाता है कि इनके अंदर नमाज कायम की जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, ये गंदगी के लिए नहीं बनाई जाती। तो इस मोहब्बत और प्यारे अंदाज के साथ आप अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की है, ना गुस्सा किया है, ना उनको डांटा है, ना मारा है, ना कोई गाली दी है, ना कोई बदकलामी की है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म और आप अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी। और हमारे लिए ये नमूना है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अब हम अपने अंदर झांकें और हम अपने जो बाहर घर के बाहर की ज़िंदगी है, चाहे वो दुकान के अंदर है या किसी मुलाजमत में है, या हमारे मातहत कुछ लोग हैं, या मैं किसी के मातहत हूँ, या इसी तरह मैं घर के अंदर आता हूँ, मेरा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ या दीगर रिश्तेदारों के साथ जो मामला है, मैं थोड़ा सा सर झुकाकर सोच लूँ कि मेरा मामला कैसा होता है, क्या मेरे किरदार में, क्या मेरे अखलाक में, क्या मेरी गुफ्तार के अंदर कोई हिल्म का पहलू, कोई सब्र का पहलू, कोई बुर्दबारी का पहलू है, या मैं बिफर जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ और ज़ुबान से औल फोल निकालता हूँ, क्या मेरा मामला? ये है इस्लाह का तरीक़ा।
हर एक अपने ऊपर निगहबान खुद है, हर एक अपना मुरब्बी है, हर एक अपनी आदात को दूसरे से ज़्यादा बेहतर जानता है और हर एक अपनी ज़ात के ऊपर इख्तियार रखता है, दूसरे पर नहीं रखता। लिहाजा जो वक्त और सलाहियत हमने इस बात के ऊपर लगानी है कि तू बुरा है या फुला बुरा है, वो वक्त हम अपनी इस्लाह के ऊपर लगाएं, अपने को ठीक करें और अपनी इस्लाह की तरफ निगाह ले जाएं। अगर ये अमल शुरू कर देंगे तो चलो कम से कम मुआशरे में से मैं तो ठीक हो जाऊंगा, एक फर्द तो ठीक हो जाएगा और एक एक मिलकर मुआशरा बनता। इसी तरह एक सहाबी हैं हज़रत साद इब्ने सुहना रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तौरात के माहिर थे, यहूदी आलिम थे और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है मदीना तय्यबा की तरफ, तो इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बग़ौर मुशाहदा किया, बड़ी बारीक बीनी से मुशाहदा किया, तो इनके दिल ने कहा कि जो सिफात तौरात के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मां की लिखी हुई हैं वो सारी सिफात तो इनके अंदर मौजूद हैं, वो सब सिफात तो पाई जाती हैं, लेकिन दो बातें ऐसी थीं कि जो बातिनी चीज़ें थी जिनका ताल्लुक अखलाक के साथ था, जो ज़ाहिर में नज़र नहीं आ रही थी, तो वो जांचना बाकी थी। और वो क्या थी कि इन्होंने तौरात के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मां की ये सिफात पढ़ी थी कि वो नबी ऐसे होंगे कि उनका इल्म उनके गैज़ और गुस्से के ऊपर हावी होगा और वो जाहिलाना हरकतों के मुकाबले में उनका हिल्म बढ़ेगा। ये सिफात, अब ये ज़ाहरी बात है बातिनी चीज़ें थी, ज़ाहिर से तो नहीं देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था, तो इन्होंने सोचा हज़रत साद ने कि मैं इन सिफात को जांचने के लिए मौके का इंतज़ार करता हूँ। तो हुआ ये कि एक कबीला मुसलमान हुआ और उनके यहाँ कहत साली थी और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका एक वफद आया और कुछ मुतालबा किया कि हमारे यहाँ कहत साली है तो आप हमारी मदद करें। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो ये हज़रत साद वहाँ मौजूद थे मजलिस में, उन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊं। मालदार भी थे, साहिब इल्म भी थे, इन्होंने कहा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुछ रकम दे सकता हूं बशर्ते कि आप इतनी इतनी खजूरें मुझे उसके बदले में दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इरशाद फरमाया, ठीक है हम तुम्हें इतनी खजूरें देंगे। तो उन्होंने 20 मिसकाल सोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। आप अलैहिस्सलाम ने वो 20 मिसकाल सोना उस सवार को दिया कि जाओ और अपने कबीले में ये तकसीम कर दो और अपनी मुश्किल हल करो। अभी उस कर्ज़े की अदायगी में कुछ वक्त बाकी था कि हज़रत साद कहते हैं कि वो वक्त ख़त्म होने से पहले ही 2-3 दिन पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहुमा वो भी आप अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे, तो मैंने अपने कर्ज़ का मुतालबा करना शुरू कर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि आपके कर्ज़े की अदायगी का वक्त आन पहुँचा है, क्या आप मुझे मेरा कर्ज़ नहीं देंगे? और फिर ये भी कह दिया कि ये जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है ना, ये कर्ज़ा अदा करने के अंदर टाल मटोल करते हैं, ये वक्त पर कर्ज़ा नहीं देते। ये बात भी खुद से कह दी गुस्सा दिलाने के लिए। अब ये बात का सुनना था तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए और इरशाद फरमाने लगे, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के रसूल के दुश्मन, क्या बात करता है तू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज बोलकर तकलीफ़ पहुँचाता है,
उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर आप अलैहिस्सलाम की ज़ात का ख्याल ना होता तो अपनी तलवार से तेरा सर तन से जुदा कर देता। आप अलैहिस्सलाम उसकी ये बात सुनकर मुस्करा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर आप ऐसा मत कहो। और इरशाद फरमाया कि जाओ फलां जगह खजूरें पड़ी हुई हैं, ऐ उमर इनको खजूरें अदा करो, इनका कर्ज अदा कर दो। और साथ में आप अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये भी इरशाद फरमा दिया कि कुछ ज़ायद अदा करना उस गुफ्तगू के बदले में जो तुमने सख्त बातें इनसे कहीं। अब वो हज़रत साद वो खजूरें लेने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जा रहे हैं, और जब वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खजूरें देने लगे, जब उनकी मकदार पूरी हो गई तो उन्होंने जब जायद देने लगे तो उन्होंने कहा कि ये जायद क्यों? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जायद देना ये उस सख्त गुफ्तगू के बदले में है जो मैंने तुमसे की। जब उन्होंने ये बात सुनी तो निशानी तो पूरी हो गई। कहने लगे, उमर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। इन्होंने कहा कि मैं साद बिन सोना हूँ, तौरात का आलिम हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि फिर तुमने ये बदतमीज़ी क्यों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्योंकि सहाबे किराम भी खूब अच्छे से समझते थे कि यहूद वो जानते हैं, उनकी किताबों में आप अलैहिस्सलाम की निशानियाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने ये कहा कि असल में जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर मैंने वैसे ही सारी निशानियां पूरी कर ली थी, अलबत्ता ये बातें बाकी थी कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि जो आखिरी नबी होंगे उनका इल्म उनके गैज़ व गज़ब के ऊपर हावी होगा और उससे आगे बढ़ा हुआ होगा, और उनका हिल्म और बुर्दबारी जाहिलाना हरकतों को देखकर और बढ़ेगी। मैं सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहता था। उमर, अब मुझे यकीन हो गया और वो निशानी भी पूरी हो गई, तुम गवाह हो जाओ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के अल्लाह होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ। और ये कहकर ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अपना आधा माल उम्मत के लिए वक्फ करता हूँ, उम्मत के ऊपर सदका कर। तो ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप अलैहिस्सलाम की बुर्दबारी। और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी बिल इल्म व ज़य्यिन्नी बिल हिल्म, ए अल्लाह इल्म के ज़रिए से मेरी मदद फरमाइए और हिल्म के ज़रिए से मुझे मुज़य्यन फरमा दीजिए। ये हिल्म ज़ीनत है, ये खूबसूरती है, ये जिसके अंदर आ गई वो सज गया और जिसके अंदर से ये निकल गई ये सिफत, तो वो तो ऐबदार हो गए। तो हम अपनी इस्लाह की तरफ फ़िक्र करें। कुरान कहता है अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालो न वक्त ज़ाया करो दूसरों के ऊपर तनकीद करके, न वक्त ज़ाया करो दूसरों के ऐब और दूसरों की कमियों और नकायस ढूंढने में, मत वक्त ज़ाया करो दूसरों के बारे में बातें करने में। अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फ़िक्र करो, अपनी कमज़ोरियाँ दूर करो, अपनी कोताहियों की तरफ निगाह ले जाओ और अपने नकायस और अयूब को अपने अंदर से निकालने पर वक्त लगाओ। दूसरों को छोड़ो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, अगर तुम हिदायत पर हो, तुम ठीक हो गए, तो दूसरे का बिगड़ना, दूसरे का गुमराह होना तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम अपनी आपको तो ठीक करो। धुन रे धुनी अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रुई में चार बनोले, सबसे पहले उनको चुन। तो दूसरों की धुन को छोड़, तो अपनी धुन में मस्त हो और अपनी कमियों की तरफ निगाह ले जा, अपने आप को ठीक कर।
और हमारे ठीक होने का बेहतरीन तरीका लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा हसना है, एक खूबसूरत नमूना है उनके अंदर ज़िंदगी गुजारने का। आप अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत हमारे लिए सुन्नत कहलाती है, हमारे लिए वो दुनिया और आखरत में कामयाबी का मेयार और ज़रिया। बहुत सारी सिफात पर, बहुत सारी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दाढ़ी वाली सुन्नत पर हम आमिल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दाएं पांव से दाखिल हो रहे हैं मस्जिद में, बाएं पांव से निकल रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, जो सुन्नतें हमारे अंदर हैं उन पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें। लेकिन अपने दिल को ये बताएँ, ये समझाएँ कि सिर्फ कामयाबी इन सुन्नतों को पूरा कर लेने पर मौकूफ़ नहीं है। बस मैंने ये कर लिया तो बस मेरे लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं है। जो कर रहे हैं वो भी थोड़ा नहीं है। एक सुन्नत के ऊपर आपको दवाम हासिल हो गया, ये हज़ार करामतों से आपके लिए अफजल है। एक सुन्नत वो 100 शहीदों का सवाब दिलवाने वाली है। एक एक आदत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला को ज़मीन और आसमान से ज़्यादा अच्छी लगती है। एक सुन्नत मामूली नहीं है, दाएं पांव से मस्जिद में दाखिल होना मामूली नहीं है, बाएं पांव से वाशरूम के अंदर जाना मामूली नहीं है। इनको मामूली नहीं समझना, लेकिन इनको काफ़ी नहीं समझना। सिर्फ इन पर अमल कर लेने से हमारी निजात हो जाए, इतना काफ़ी नहीं है। बल्कि हमारे लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, हर एतबार से, अखलाक के एतबार से भी नमूना है। तो हम अखलाक में से एक आदत को हम जिक्र कर रहे हैं, और वह आप अलैहिस्सलाम का हलीम होना, आप अलैहिस्सलाम का पुरदबार होना, और आप अलैहिस्सलाम का गुस्से से दूर होना। ये आप अलैहिस्सलाम की एक ज़बरदस्त सुन्नत है और ज़बरदस्त सिफत है जो हमें अपनाने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने अपनाया है अल्लाह ने उनको चमकाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा याद आ रहा है कि उनके ज़माने में कुछ लोगों की आपस में, दो दोस्तों की आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई कि हज़रत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह वो ज़्यादा हलीमुत्तबा हैं या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा हलीमुत्तबा हैं। उनकी ये आपस में बहस, तो वो आज़माने के लिए ना उनके हिल्म को वो आए इमाम साहब के घर। इनकी आदत मुबारका एक लंबे अरसे तक ये रही थी कि रात सारी रात इबादत होती थी, दिन में जोहर के बाद कैलुला यानी आराम किया करते थे। सेहतें मजबूत थी, खुराकें खालिस थी। आज हम तो 2 घंटे लेट हो जाएं तो मसला बन जाता है हमारे साथ, उन लोगों की तबीयतें मजबूत थी। खैर, वो दिन में सिर्फ जोहर के बाद आराम किया करते थे और ऊपर वाली मंजिल में उनकी रिहाइश थी। अब ये साहिब ऐन उसी वक्त आए और दरवाज़ा खटखटा दी। अब वो ऊपर से नीचे तशरीफ़ लाए। हाँ जी फरमाइए, एक मसला पूछना था। हालांकि इमाम साहब सुबह से इसी काम के लिए बैठे हुए हैं और शाम को भी इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त में ना आना और आराम के वक्त में परेशान करना, खैर गुस्सा आने वाली तो चीज़ थी। लेकिन उन्होंने फरमाया कि जी फरमाए। अच्छा, वो कहने लगे कि वो मसला मुझे भूल गए। अच्छा जी, चलो जब याद आ जाए तब पूछ लेना। वो चले गए। थोड़ी देर बाद चक्कर लगा कर फिर आ गए, फिर दरवाज़ा खटखटा दिया। वो फिर तशरीफ़ लाए। जी फरमाइए, याद आ गया। वो याद आ गया था लेकिन आप आधी सीढ़ियों पर पहुँचे तो मुझे फिर भूल गया। अच्छा जी, चलो फिर जब याद आ जाए फिर पूछ लेना। फिर चले गए, तीसरे चक्कर में फिर आए और फिर उन्होंने पूछा कि जी हाँ जी अब फरमाएं। तो कहने लगे कि मैंने पूछना ये था कि जो इंसान का पखाना होता है ये मीठा होता है या कड़वा होता है। ये बड़ा मशहूर वाक्य है इमाम साहब को उनकी सीरत में लिखा हुआ। तो इमाम साहब ने फरमाया कि जब ताज़ा हो तो मीठा होता है, जब सूख जाए तो कड़वा हो जाता है। अगला सवाल देखें। कहने लगा कि जी आपने चखा है, आप ये बता रहे हैं। तो इमाम साहब ने फरमाया, हर चीज़ को बताने के लिए चखना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ चीज़ों में अकल से भी काम लेना होता है। जब ताज़ा होता है तो मक्खी बैठती है और जब
खुश्क हो जाए तो मक्खी नहीं बैठती, तो ये दलील है इस बात की जो मैंने मसला बताया है। तो उसने इस मौके पर कहा कि जी हज़रत, मैं असल में मसला पूछना कोई मकसूद नहीं था, ना ही ये कोई मसला था, असल में हमारी आपस में ये शर्त लगी थी, ये हमने ये तय किया था कि आजमाते हैं कि हलीम कौन है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको गुस्सा दिलाऊं, लेकिन आप हलीम उत्तमा हैं, आप बुर्दबान। तो ये सिफात अपनाने की हमें ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुमाया सिफत अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र की, वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब लन फज़्ज़ू मिन हौलिक। ए मेरे हबीब, हमने आपको नरम दिल बनाया, हमने आपको हलीम और बुरदबार बनाया है, हमने आपको रहीम बनाया, रऊफ़ुर रहीम, दो सिफात अल्लाह ने खुद कुरान में ज़िक्र की। ए मेरे हबीब, वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते, सख्त ज़ुबान होते, लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, ये जो आपके इर्द गिर्द सहाबा एक शमा के गिर्द परवानों की तरह जमा है ना, ये आपके पास ना होते, ये सारे भाग जाते। ये आपकी हलीम उत्तबा है, आपकी ज़ुबान की शिरीनी है, आपका खूबसूरत और खुशगवार मूड है, और आपका अच्छा मिजाज है जो सबको जोड़े हुए है। अगर इन आपके अंदर सख्ती होती तो ये आपके पास इकट्ठे ना होते। बस हमें दूसरों को छोड़कर, अपने अलावा सबको छोड़कर अपनी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस सिफत में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर कुछ सीढ़ियाँ मैं इस सिफत के अंदर चढ़ चुका हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो मैं इस सिफत को अपने अंदर आज से पैदा करने की कोशिश करूँ। और जितने भी मेरे मौाक़े हैं, जो जो मुझसे मुताल्लिक हैं, मुझसे रिलेटेड हैं, सब के साथ मैं इस सिफत के साथ मामला करूं, गुस्सा ना करूं, हिल्म के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, खुशगवार मूड के साथ। सहाबी कहते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कराने वाला किसी को नहीं देखा। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अकदस पर एक मुस्कुराहट होती। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए, अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।